Hello everyone, this is your Bandini Sharma. Welcome back to my channel BMB tutorial. So, in last session, we have discussed how to convert ratios in percent and increase or decrease as percent, right? And in today's session, we are going to discuss profit and loss when we buy and sell something, okay? So, let's start our session. So, when we buy something and sell it to another, what happen The price. At which we buy the price at which we buy something is called its cost price. Okay, and the price at which we selling it is called as its selling price. Okay, for example, if I went to the shop and bought a wristwatch, four rupees thousand. Okay, and after returning from the shop i sold it to my friend 4 rupees 1200 so see the price at which i bought the wristwatch is called its cost price means cost price of wristwatch will be 1000 rupees okay and the price at which i sold it to my friend that is 1200 that is known as its selling price ओके okay? कोई भी चीज़ अगर हम खरीदते हैं तो जिस प्राइस पर खरीदते हैं जो उसका प्राइस होता है दैट इज़ नोन एज इट्स कॉस्ट प्राइस उसको क्या बोलते हैं कॉस्ट प्राइस ओके मीन्स बाइंग प्राइस ऑफ एनी आइटम विल बी कॉल्ड एज कॉस्ट प्राइस ओके इन द सेम वे द प्राइस एट विच वी सेल समथिंग कोई भी चीज़ जिस प्राइस पर हम बेचते हैं दैट इज़ कॉल्ड इट्स सेलिंग प्राइस okay so okay so cost price what it is the price at which we buy something or we can say buying buying price of anything of any item किसी भी आइटम या किसी भी चीज को जो खरीदने का प्राइस है दैट इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस ओके एंड सेलिंग प्राइस द प्राइस एट विच आइटम इज सोल्ड आउट ओके जिस प्राइस पर हम किसी भी चीज को किसी भी आइटम को बेचते हैं दैट इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस ओके क्या होता है जब ये कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस एक दूसरे के कंपैरिजन में कम और ज्यादा होते हैं मीन्स इफ कॉस्ट प्राइस इज लेस देन सेलिंग प्राइस और इफ कॉस्ट प्राइज Is greater than selling price, or when these two are equal. So, what happened? See, for example, Mohan bought a pen for rupees fifty and sold it. सोल्ड एट फोर रुपीज सेवेंटी सी देस एग्जाम्पल मोहन ने एक पेन खरीदा कितने रुपीज का फिफ्टी रुपीज का और उसको बेच दिया कितने रुपीज में सेवेंटी में ठीक है तो कॉस्ट प्राइस को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं सीपी सी फॉर कॉस्ट एंड पी फॉर प्राइस ओके इन शॉर्ट बी कॉल्ड कॉस्ट प्राइज एस सी पी ओके एंड टू सेलिंग प्राइस एस पी एस फॉर सेलिंग एंड पी फॉर प्राइस ओके सो इन शॉर्ट सेलिंग प्राइस बी राइट एज एस पी ओके नासी हियर मोहन वॉट अ पेन फॉर रुपीज़ फिफ्टी मोहन ने खरीदा है कितने रुपीज़ का पेन फिफ्टी रुपीज़ का इट मीन्स ये बाइंग प्राइस हुआ फिफ्टी रुपीज जो हुआ वो क्या हुआ बाइंग प्राइस मींस इसका कॉस्ट प्राइस ओके सो हेयर कॉस्ट प्राइस और पेंट इज रुपीज फिफ्टी ओके एंड शोल्ड इट फोर रुपीज सेवेंटी बेच दिया ठीक है सेल कर दिया कितनी रुपीज में सेवेंटी इट मींस हेयर सेलिंग प्राइस विल भी सेवेंटी ओके okay? तो अब देखिए खरीदा था फिफ्टी रुपीज़ में बेच दिया सेवेंटी में तो यहाँ पर उसको क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है फ़ायदा हो रहा है इजाफा हो रहा है है ना फिफ्टी में खरीदा सेवेंटी में सेल कर दिया मीन्स ट्वेंटी रुपीज़ को उसको प्रॉफिट हो रहा है सो so, जब भी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से कम होता है या फिर कहीं सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होता है तब हमें क्या होता है प्रॉफिट ओके सो कंडीशन इज हेयर इफ एस पी इज ग्रेटर दैन सी पी ठीक है हम कम में खरीद रहे हैं और ज्यादा में बेच रहे हैं तो हमें क्या हो रहा है प्रॉफिट होगा ठीक है इफ एस पी इज ग्रेटर देन सी पी मीन्स सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस देन वी गेट ऑलवेज प्रॉफिट ओके तब हमें क्या होता है प्रॉफिट अब इस प्रॉफिट को कैलकुलेट कैसे करेंगे कैसे पता चला कि कितने रुपीज का प्रॉफिट हुआ हमने क्या किया सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दिया सब्ट्रैक्ट कर दिया मीन्स सेवेंटी माइनस फिफ्टी सो वी आर गेटिंग ट्वेंटी मीन्स ऑफ ट्वेंटी रुपीज मोहन हैविंग प्रॉफिट ओके मोहन को कितने रुपीस का ट्वेंटी रुपीस का प्रॉफिट हो रहा है इट मीन्स प्रॉफिट हाउ वी विल कैलकुलेट प्रॉफिट बाय सप्रैक्टिंग कॉस्ट प्राइस फ्रॉम द सेलिंग प्राइस मीन्स स्मॉलर फ्रॉम द बिगर यहां पर ज्यादा क्या है सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस क्या है कम तो हम ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे मीन्स एस पी माइनस सी पी ओके एस पी माइनस सी पी इज profit so this is the formula to calculate profit in any case okay so whenever selling price is more than cost price then we have profit and we will calculate it by subtracting cost price from the selling price okay now see if suppose सेलिंग प्राइस इज़ लेस देन कॉस्ट प्राइस मीन्स इसका मतलब क्या हुआ इस इनिक्वालिटी का कि जब हम ज़्यादा में खरीद रहे हैं और कम में बेच रहे हैं ठीक है सपोज यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया मोहन अ पेन फॉर रुपीज़ सेवेंटी एंड सोल्ड एट फॉर रुपीज़ फिफ्टी मोहन ने एक पेन सेवेंटी रुपीज़ का ख़रीदा और कितने में सेल कर दिया फिफ्टी रुपीज़ में इट मीन्स हियर वाइंग प्राइस मीन्स कॉस्ट प्राइस ऑफ द पेन इज रुपीज़ सेवेंटी सेवेंटी रुपीज़ ओके एंड सेलिंग प्राइस इज़ रुपीज़ फिफ्टी ओके नी ज़्यादा में वो खरीद रहा है और बेच कितने में रहा है फिफ्टी में मीन्स फिफ्टी इज लेस देन सेवेंटी मीन्स खरीद ज़्यादा में रहा है बेच कम में रहा है तो उसको क्या होगा लॉस होगा ठीक है जब भी हम कोई चीज़ ज़्यादा प्राइस में खरीदते हैं और उसको कम में बेच देते हैं तो हमें क्या होता है लॉस होता है घाटा होता है ओके सो वेन एवर सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस सेलिंग क्या है सेलिंग प्राइस क्या होगा कम होगा जब सी पी से मीन्स कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा में खरीद रहे हैं कम में बेच रहे हैं ठीक है मीन्स एस पी इज लेस देन सी पी तब हमें क्या लॉस होता है ठीक है लॉस और लॉस को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे इट मीन्स कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करेंगे मीन्स सी पी माइनस एस पी ओके सी पी माइनस एस पी तो ये दूसरा फॉर्मूला लॉस का ये भी आपको याद रखना है ओके प्रॉफिट मीन्स सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस ओके सो एस पी माइनस सी पी सिमिलरली लॉस वैन वी हैव कॉस्ट प्राइज इज मोर देन सेलिंग प्राइज मीन्स सी पी माइनस एस पी ओके सो दैट इज हाउ वी कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस ओके तो यहाँ पर लॉस कितने रुपीज़ का हो जाएगा सेवेंटी माइनस फिफ्टी कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा ट्वेंटी मीन्स मोहन ने जब सेवेंटी रुपीज़ का पेन खरीदा और उसको फिफ्टी में बेचा तो उसको ट्वेंटी रुपीज़ का लॉस हो रहा है ओके बट वॉट हैपन वेन सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस आर इक्वल मीन्स जितने में ख़रीदा है उतने में ही बेचना है तो ना तो प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा सिचुएशन विल क्रिएट ऑफ नो लॉस और नो प्रॉफिट ओके सो इफ एस पी इन सेलिंग प्राइस इज इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस देन नो लॉस एंड नो प्रॉफिट ठीक है जब आपका सी और एस इक्वल होगा मेरी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस इक्वल होगा जिस सिर्फ कॉस्ट पर ख़रीदा है उसी प्राइस पर उसको बेचा है तो फिर ना तो लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा ओके नाउ हाउ टू चेंज दिस प्रॉफिट एंड लॉस इन परसेंटेज प्रॉफिट हो रहा है किसी सिचुएशन में या लॉस हो रहा है तो कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हो रहा है ये तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे नहीं तो लॉस के केस में कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करके बट कितना परसेंट लॉस हो रहा है या कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है दैट हाउ वी विल कैलकुलेट दैट लेट से इफ वी नो दैट प्रॉफिट प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एस पी माइनस सी पी ओके एंड लॉस इज इक्वल टू सी पी माइनस एस पी ओके नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दिस प्रॉफिट एंड लॉस इन परसेंटेज हाउ प्रॉफिट परसेंट अगर हमें प्रॉफिट का परसेंट निकालना है मीन्स कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है किसी सिचुएशन में तो कैसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या होता है प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू हाउ मच प्रॉफिट वी आर गैटिंग दैट वी विल टेक इन न्यूमिनेटर ओके प्रॉफिट वेन वी कैल्कुलेट परसन वी मल्टीप्लाई एवरी टाइम वाई हंड्रेड ओके अपॉन ये जो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है ये हमेशा हम कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट करते हैं जब हम किसी चीज़ को खरीदेंगे तभी हम उसको बेच सकते हैं तभी हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है मीन्स एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन कॉस्ट प्राइस। सो हियर लॉस एंड प्रॉफिट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कॉस्ट प्राइस। सो इन डिनोमिनेटर वी हैव टू टेक कॉस्ट प्राइस। ओके तो जब भी हम प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करेंगे मीन्स प्रॉफिट यू हैव टू टेक इन न्यूमरेटर And in denominator, you have to take cost price Okay. into hundred. Now, loss percent. If we have to calculate the loss percent, so that will equal to loss, kitna loss over hai, amount of loss. So loss into hundred upon same cost price. ओके कॉस्ट प्राइस ओके सो प्रॉफिट एंड लॉस वी ऑलवेज कैलकुलेट ऑन कॉस्ट प्राइस ये चीज़ आपको याद रखनी है ऐसा नहीं कि यहाँ सेलिंग प्राइस का कोई फैक्टर आएगा नो इन लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट इन डिनोमिनेटर देर विल बी कॉस्ट प्राइस ऑफ पर्टिकुलर आइटम ओके सो ये फोर फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं कि प्रॉफ़िट क्या होता है एस पी माइनस सी पी लॉस क्या होता है सी पी माइनस एस पी मीन्स थ्री क्वांटिटी हैं देखिए इस फार्मूले में क्या है प्रॉफिट सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस इस फार्मूले में क्या है लॉस कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस मीन थ्री क्वांटिटी है इन ईच फार्मूला एंड हियर प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट एंड कॉस्ट प्राइस हेयर ऑल्सो लॉस परसेंट लॉस कॉस्ट प्राइस ओके तो अगर सिचुएशन ऐसी आती है कि आपको दो क्वांटिटी इन तीन में से दो आपको गिवन है एंड थर्ड यू हैव टू कैलकुलेट देन यू कैन फाइंड इट ओके अगर इन तीनों क्वांटिटी में से दो आपको गिवन है देन थर्ड वन यू कैन कैलकुलेट ओके लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एग्जाम्पल नाउ सी दिस एग्जाम्पल अ शॉपकीपर वॉट अ टेबल फॉर रुपीज ट्वेल्व हंड्रेड एंड सोल्ड एट फॉर रुपीज 1365 फाइंड लॉस और गेन परसेंटेज ओके यहाँ पर क्या है कि एक शॉपकीपर ने एक टेबल को ट्वेल्व हंड्रेड में ख़रीदा है मीन्स कॉस्ट प्राइस इस टेबल का क्या हो जाएगा 1200 हंड्रेड एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज़ थर्टीन और कितने रुपीज़ में बेचा है सेल किया है 1365 थाउजेंड एंड ओके तो ये क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस अब यहाँ पर देखिए कॉस्ट प्राइस 1200 हंड्रेड है एंड सेलिंग प्राइस इज थर्टीन हंड्रेड एंड सिक्सटी फाइव इट मीन्स सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस इट मीन्स शॉपकीपर विल हैव प्रॉफिट शॉपकीपर को क्या होगा प्रॉफिट होगा यहाँ पर ठीक है तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन किया कि फाइंड लॉस और गेन परसेंट सो फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड हेयर इज बींग लॉस और गेन गेन का मतलब प्रॉफिट ओके okay? गेन का मतलब यहां पर क्या है प्रॉफिट तो इससे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है जो भी हो रहा है उसका आपको क्या निकालना है परसेंटेज निकालना है सो सी फर्स्ट सी पी सी पी इज हेयर रुपीज ट्वेल्व हंड्रेड ओके एंड एस पी मींस सेलिंग प्राइस इज हेयर रुपीज थर्टीन हंड्रेड एंड सिक्सटी फाइव ओके सो सिंस एस पी

ओके सो फाइव माइनस ज़ीरो इज़ फाइव सिक्स माइनस ज़ीरो इज़ सिक्स एंड थ्री माइनस टू इज़ वन सो प्रॉफिट इज़ हेयर रुपीज़ वन सिक्सटी फाइव मीन्स इस टेबल को ख़रीदने और फिर उसको बेचने पर शॉपकीपर को कितना प्रॉफिट हो रहा है कितने रुपीस का 165 सिक्सटी का प्रॉफ़िट हो रहा है ओके okay? अब प्रॉफिट हो रहा है गेन हो रहा है तो उसका आपको क्या निकालना परसेंट निकालना है। तो परसेंट निकालने के लिए हमें प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगाना है क्योंकि यहाँ प्रॉफिट हो रहा है ठीक है तो प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट परसेंट क्या होता है प्रॉफिट इंटू हंड्रेड अपॉन सी ओके सो प्रॉफिट इज हेयर वन सिक्सटी फाइव इंटू हंड्रेड अपॉन सी पी एज ट्वेल्व हंड्रेड Okay, 100 is in numerator and 1200 is in denominator. So, zeros will be cancelled out. Okay, so profit percent profit percent will be 165 upon 12. Okay, if we divide these two by 3. So, 3 5's are 15. 3 5s are 50 means 55 and 3 4s are 12 now nothing is common in numerator and denominator parts okay so if we divide 55 by 4 we will get 4 1s are 4 the remainder will be 1 so 4 3s are 12 means remainder will be 3 so you will have to place the decimal point okay if you divide 55 by 4. So 4 1 ja 4 remainder is 1. You will take 5 and 4 3 are 12, 15 minus 12 is 3. So 3 is less than divisor, that is 4 here. Okay, so we will put the decimal point. Now we will take 0. So 4 7 ja 28, 2 remainder and 4 5 are 20. मीन्स थर्टीन पॉइंट सेवन फाइव परसेंट तो शॉपकीपर को कितने परसेंट प्रॉफिट हो रहा है थर्टीन पॉइंट सेवन फाइव परसेंट ओके सो दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट गेन और लॉस परसेंट प्रॉफिट को गेन भी बोलते हैं ओके लेट्स टेक अनदर एग्जांपल नाउ सी दिस एग्जांपल कॉस्ट ऑफ एन आइटम इज रुपीज एट हंड्रेड इट वॉज सोल्ड विद अ लॉस ऑफ टेन परसेंट फाइंड द सेलिंग प्राइस ओके तो यहाँ पर एक आइटम का कॉस्ट दे रखा है मीन्स कॉस्ट प्राइस दे रखी है कितना है एट हंड्रेड रुपीज़ है और इस आइटम को जब सेल किया गया है तो लॉस हो रहा है और वही लॉस का परसेंट दे रखा है मतलब कितना परसेंट लॉस हो रहा है टेन परसेंट लॉस हो रहा है देन यू हैव टू फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस ऑफ द आइटम आपको क्या फाइंड करना है सेलिंग प्राइस जब हमने अभी फॉर्मूले अंडरस्टैंड किए थे तो वहाँ पर हर फॉर्मूले में तीन वैल्यूज़ थी ठीक है लाइक लॉस इज इक्व टू सी पी माइनस एस पी मीन्स सी पी एस पी लॉस ओके सिमिलरली इफ वी कैलकुलेट लॉस परसेंट मीन्स लॉस परसेंट लॉस एंड कॉस्ट प्राइस थ्री में से अगर आपको टू गिवन है तो थर्ड आप फाइंड कर सकते हैं तो देखिए यहाँ पर गिवन क्या है हमें सी पी कॉस्ट प्राइस क्या है रुपीज एट हंड्रेड ओके और क्या गिवन है लॉस किसमें परसेंट में दे रखा है इसका मतलब लॉस परसेंट आपको दे रखा है कितना टेन आपसे पूछा क्या गया सेलिंग प्राइस मीन्स एस पी ओके तो यहां पर देखिए सीपी आपको गिवन है लॉस परसेंट गिवन है निकालना क्या है एस पी तो देखिए यहां पर लॉस परसेंट दे रखा है ठीक है लॉस परसेंट और लॉस परसेंट क्या होता है लॉस इंटू हंड्रेड अपॉन सी ओके लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस इंटू हंड्रेड अपॉन सी अब लॉस परसेंट कितना है टेन इज इक्वल टू लॉस आपको नहीं दे रखा है तो लॉस को हम एज इट इज रखेंगे इंटू हंड्रेड अपॉन सी पी सी पी कितना है एट हंड्रेड ओके सो इफ यू कैलकुलेट दिस ज़ीरो विल कैंसल आउट विद दिस जीरो एंड जीरो दिस इट मीन्स लॉस अपॉन एट इज इक्वल्स टू टेन तो यहाँ से आप लॉस फाइंड आउट कर सकते हैं एट का क्या हो रहा है राइट हैंड साइड में लॉस के साथ डिवीज़न हो रहा है तो इसी एट को जब आप इस साइड मीन्स लेफ्ट एंड साइड ट्रांसपोज करेंगे तो यहां पर डिवीज़न हो रहा है तो इस साइड क्या होगा मल्टीप्लाई होगा तो टेन के साथ एट का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई मीन्स टेन इंटू एट विल बी द लॉस ओके सो मीन्स 80 ओके okay? लॉस कितना हो रहा है एट्टी रुपीज का हो रहा है ठीक है अब आपको लॉस पता चल गया निकालना हमें क्या है सेलिंग प्राइस सो वी नो दैट लॉस इज इक्वल्स टू सी पी माइनस एस पी ठीक है लॉस इज़ इक्वल टू सी पी माइनस एस पी क्योंकि यहाँ पर इस फॉर्मूले से हमने क्या कैलकुलेट किया है लॉस परसेंट दे रखा था सी पी दे रखा तो लॉस तो हमने निकाला लॉस कितना आया आपका एट्टी रुपीज़ ठीक है अब लॉस का भी आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है सी पी माइनस एस पी सो सी लॉस इज़ योर एट्टी रुपीज़ एंड सी पी इज़ एट हंड्रेड and sp will you will write as it is so see sp is being here subtracted so if you transpose this sp to left hand side it will be added so 80 plus sp is equals to 800 okay since we have to calculate sp so we will transpose this 80 to this side so here is being एडेड दिस एट्टी सो ऑन द राइट हैंड साइड इट विल बी सब्ट्रैक्टेड क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा तो एस पी आपका क्या हो जाएगा एट हंड्रेड माइनस दिस एट्टी ओके सो टेन जीरो माइनस जीरो इज जीरो एंड हेयर ज़ीरो सो वी विल टेक कैरी सो टेन माइनस एट इज टू एंड हेयर सेवन सो एस पी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा रुपीज सेवन ट्वेंटी ओके तो अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा हो कॉस्ट दे रखी हो कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट आपको दे रखा हो तो जो भी परसेंट आपको लॉस परसेंट दे रखा हो तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला पहले अप्लाई करना है अगर यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला दे रखा था तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला आपको लिखना था तो वहाँ से आप क्या प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं जब आपको सी और प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट पता है देन यू कैन कैलकुलेट लॉस और प्रॉफिट ओके okay, फिर क्या करना है आपको प्रॉफिट निकाला है तो प्रॉफिट का फार्मूला हमें पता है सो so, प्रॉफिट या लॉस है तो लॉस और सी आपको दे रखे हैं लॉस आपने कैलकुलेट कर लिया सी आपको दे रखा है तो एस आप निकाल सकते हैं ओके सो वेन एवर वी हैव टू वैल्यूज एनी टू वैल्यू द थर्ड वी कैन कैलकुलेट आउट ओके सो लेट ओके तो एक तरीका ये हुआ जब आपको फॉर्मूले यूज़ करने हैं ठीक है प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट जो भी आपको भी गिवन है यहाँ पर लॉस परसेंट दे रखा था तो हमने लॉस परसेंट का फॉर्मूला यूज़ किया तो वहाँ से लॉस को कैलकुलेट किया फिर लॉस के फॉर्मूले से हमने सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट किया ठीक है अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं तो देखिए यहाँ पर कॉस्ट प्राइस सी आपको कितना रुपीज़ एट हंड्रेड दे रखा है ओके एंड लॉस परसेंट टेन परसेंट दे रखा है आपको और हमेशा हम लॉस परसेंट हो या प्रॉफिट परसेंट हो वो सी पर कैलकुलेट करते हैं ठीक है इट मीन्स लॉस विल भी लॉस कितना होगा टेन परसेंट ऑफ द सी पी टेन परसेंट ऑफ सी पी क्योंकि लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट वी ऑलवेज कैलकुलेट ऑन सी पी सो हियर वी कैन फाइंड द लॉस बाई टेकिंग टेन परसेंट ऑफ सी पी यहाँ लॉस परसेंट क्या हो रहा है सी पर सी पी पर ही हो रहा है ना ठीक है तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं टेन परसेंट ऑफ सी पी तो टेन परसेंट मीस टेन अपऑन हंड्रेड ओके एंड इन प्लेस ऑफ ऑफ वी विल पुट मल्टीप्लिकेशन एंड एंड सीपी इज हेयर 800 ओके सो दिस ज़ीरो विल बी कैंसिल आउट विद दिस ज़ीरो एंड दिस जीरो इट मीन्स 8 इंटू टेन मीन्स एट्टी सो लॉस इज रुपीज एटी ठीक है तो जब भी आपको सीपी दे रखा हो या लॉस परसेंट हो या प्रॉफिट परसेंट दे रखा हो ठीक है तो आप, दे तो आप so okay? पर परसेंट दे रखा है तो सीपी का उतना परसेंट आप कैलकुलेट करेंगे सो दैट विल बी योर लॉस और प्रॉफिट ओके यहाँ पर लॉस परसेंट दे रखा है टेन परसेंट इसका मतलब सीपी का जो भी आइटम की कॉस्ट प्राइस है उसका टेन परसेंट आपको क्या है लॉस है ठीक है तो हमने क्या किया टेन परसेंट ऑफ सीपी कैलकुलेट किया क्या है एटी रुपीज़ तो यही आपका क्या हो गया लॉस लॉस पता चल गया अब लॉस आपको पता है लॉस का फॉर्मूला क्या होता है सीपी माइनस एस पी ठीक है तो यहां से एस पी क्या हो जाएगा एस पी हमें कैलकुलेट करना है एस पी को आप इस साइड लाएंगे तो एस पी मीन्स सी पी माइनस लॉस ओके एस पी को कैलकुलेट करना है तो यहां पर एस पी नेगेटिव है इस साइड लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा तो एस पी हमें पॉजिटिव ही निकालना है तो सी पी यहां पर लॉस क्या है पॉजिटिव है इस साइड क्या हो माइनस हो जाएगा सो so, फॉर्मूला नाउ चेंज इन एस पी इक्वल्स टू सी पी माइनस लॉस सो सी पी क्या है आपका एट हंड्रेड और लॉस कितना आपने कैलकुलेट किया एट्टी इट मीनस सेवन ट्वेंटी रुपीज़ तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया इस आइटम का सेवन ट्वेंटी रुपीज़ तो इस तरीके से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है फर्स्ट वे यू ऑल्सो कैन यूज़ एंड दिस वे यू ऑल्सो कैन यूज ओके लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल वेन वी हैव गिवन सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट एंड वी हैव टू कैलकुलेट आउट कॉस्ट प्राइस नाउ सी दिस एग्जाम्पल एन आर्टिकल वॉज सोल्ड फॉर रुपीज़ फाइव थाउजेंड विद द प्रॉफिट ऑफ फाइव परसेंट वॉट वॉज इट्स कॉस्ट प्राइस एक आर्टिकल है जिसको कितने रुपीज में सेल किया गया है फाइव थाउजेंड रुपीज में और फाइव थाउजेंड रुपीज़ पर सेल करने पर उसको क्या प्रॉफिट हो रहा है और कितना प्रॉफिट हो रहा है फाइव परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा मतलब किस प्राइस पर वो आर्टिकल खरीदा गया होगा ओके सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव गिवन सेलिंग प्राइस द प्राइस एट विच द आइटम वो सोल्ड मीन्स सेलिंग प्राइस एस पी दैट इज रुपीज फाइव थाउजेंड ओके एंड यू हैव गिवन प्रॉफिट परसेंट दैट इज फाइव परसेंट एंड यू हैव आ शेयर कॉस्ट प्राइस कॉस्ट प्राइस आपसे पूछा गया है ठीक है तो फर्स्ट जो भी हमने फॉर्मूले पढ़े हैं वो हम अप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट दे रखा है तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है प्रॉफिट इंटू हंड्रेड अपॉन सी पी ओके अब यहाँ पर देखिए प्रॉफिट परसेंट आपको पता है बट प्रॉफिट नहीं पता है और सी पी भी नहीं पता है दोनों ही चीज़ नहीं पता है मतलब एक ही चीज़ पता है तो क्या करेंगे हम तो देखिए प्रॉफिट क्या होता है एस पी माइनस सी पी यही होता है तो इस प्रॉफिट की जगह हम क्या लिख सकते हैं एस पी माइनस सी पी इन टू दिस हंड्रेड अपॉन सी पी एंड प्रॉफिट परसेंट अब देखिए यहाँ पर, पर थ्री वैल्यूज़ ही यूज हो रही हैं एक तो प्रॉफिट परसेंट दूसरा सी पी तीसरा एस पी अब इन तीन में से हमें प्रॉफिट परसेंट पता है एस पी पता है तो सी पी हम कैलकुलेट कर सकते हैं पहले जो हमने फॉर्मूला यूज़ किया प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू प्रॉफिट इन टू हंड्रेड अपॉन सी तो प्रॉफिट यहाँ पर हमें नहीं पता है और सी भी नहीं पता था सिर्फ प्रॉफिट परसेंट मीन्स थ्री में से हमें दो तो पता ही नहीं है तो हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे इसलिए यहाँ पर हमने प्रॉफिट की जगह क्या सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस को पुट किया अब क्या है अब थ्री वैल्यूज़ है यहाँ पर और थ्री में से आपको टू पता है ठीक है अब आपको कैलकुलेट करना है क्या करना है सीपी तो देखिए पहले हम फॉर्मूले में से ही सी को निकाल लेते उसके बाद डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे और निकालेंगे तो देखिए सी पी को अगर आप इस साइड ले जाते हैं यहाँ पर क्या है डिनोमिनेटर में इस साइड ले जाएंगे तो न्यूमिनेटर मतलब इन दोनों का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई मीन्स प्रॉफिट परसेंट इन टू ओके दैट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी ओके अब इस हंड्रेड का यहां पर देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड क्या होगा डिवाइड होगा ओके नाउ सी, राइट हैंड साइड में क्या है एस पी माइनस सी पी ठीक है क्या है एस पी माइनस सी पी बचा हुआ है हमें निकालना क्या है सी पी ओके तो इस सी पी को जो कि इस साइड सब्ट्रैक्ट हो रहा है इस साइड ले आइए तो क्या आएगा प्रॉफिट परसेंट इनटू सी पी अपॉन हंड्रेड प्लस सी पी दैट इज इक्वल टू एस पी ओके सो सी प्रॉफिट परसेंट आपको कितना दे रखा है फाइव इंटू सी पी सी पी हमें कैलकुलेट करना है अपॉन हंड्रेड ओके एंड प्लस सी पी सी पी हमें नहीं पता है कैलकुलेट करना है एज इट इज लिखिंग इक्वल्स टू एस पी एस पी कितना दे रखा है फाइव थाउजेंड ओके हमने क्या किया सी पी को एक साइड कर दिया दोनों सी पी को अब देखिए फाइव वन जा फाइव फाइव ट्वेंटी जा हंड्रेड इट मींस सी पी अपॉन ट्वेंटी प्लस दिस सी पी इज इक्वल टू फाइव थाउजेंड ओके अब यहां पर देखिए सी पी अपॉन एक फ्रैक्शन में सी है और यहाँ पर सी होल में है ठीक है होल में है इसका मतलब इसको हम डिनोमिनेटर को वन ले सकते हैं ठीक है डिनोमिनेटर को वन लेंगे तो क्या होगा एल्सीयम क्या होगा ट्वेंटी ओके तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका सी पी प्लस यहाँ पर क्या होगा वन है वन को क्या बनाना है ट्वेंटी तो ट्वेंटी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में तो क्या हो जाएगा ट्वेंटी सी पी इज इक्वल टू फाइव थाउजेंड ठीक है ऐड करिए ट्वेंटी प्लस वन कुछ भी नहीं है सी पी के आगे तो वन है इसका मतलब ट्वेंटी प्लस वन मीन्स ट्वेंटी वन सी पी अपॉन ट्वेंटी इज इक्व टू फाइव थाउजेंड ओके सो सी ट्वेंटी का डिविजन हो रहा है तो इस साइड क्या होगा मल्टीप्लाई मीन्स फाइव थाउजेंड इंटू ट्वेंटी ओके एंड इस ट्वेंटी वन का सी पी के साथ क्या है मल्टीप्लाई हो रहा है न्यूमिनेटर में तो ए, अगर इसको राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में ट्वेंटी वन क्या बचा आपके पास सिर्फ सी पी जो कि हमें कैलकुलेट करना है सो सी पी इक्वल्स टू आप देखिए फाइव टू जेन फाइव टू ज़ा टेन एंड फोर जीरो ओके डिवाइड इट बाय ट्वेंटी वन तो जब हम इस वन लैग को ट्वेंटी वन से डिवाइड करेंगे तो आंसर कुछ इस तरीके से आएगा फोर थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड सिक्सटी वन पॉइंट फोर समथिंग ओके नाउ यू कैन चेक सी पी इज फोर थाउजेंड सेवन हंड्रेड सिक्सटी वन ओके एंड एस पी इज़ फाइव थाउजेंड मीन्स एस पी इज मोर दैन सी पी सो हेयर यू हैव गिवन द प्रॉफिट परसेंट ओके इट मीन्स आवर आंसर इज़ करेक्ट सो दिस वे यू कैन कैलकुलेट दिस जब आपको एस पी दे रखा हो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट दे रखा हो तो अगर आपको दो क्वांटिटी नहीं मिल रही हैं तो हम उसमें प्रॉफिट या लॉस का फॉर्मूला लगा कर दो क्वान्टिटी को असम्बल कर सकते हैं तीसरी फाइंड आउट करने के लिए ओके दूसरा वे इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या है जब आपको सेलिंग प्राइस दे रखा हो और प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट दे रखा हो और आपसे कॉस्ट प्राइस पूछा गया हो ओके सो हियर एस पी इज रुपीज फाइव थाउजेंड एंड प्रॉफिट परसेंट इज फाइव परसेंट एंड सी पी यू हैव टू फाइंड आउट ओके सो प्रॉफ़िट परसेंट फाइव परसेंट दे रखा है एंड वी नो दैट प्रॉफिट एंड लॉस वी कैलकुलेट ऑन सी पी ओके सो इस फाइव परसेंट का मतलब क्या है फाइव आउट ऑफ हंड्रेड फाइव आउट ऑफ हंड्रेड इसका मतलब अगर आपका सी पी यहाँ रुपीज़ में बात हो रही है प्राइस की बात हो रही है तो ऑब्वियसली रुपीज़ में होगी ओके okay? तो इसका मतलब क्या है कि हंड्रेड रुपीज़ आपका अगर सी पी है तो फाइव रुपीज़ क्या होगा प्रॉफिट होगा फाइव रुपीज़ का प्रॉफिट होगा फाइव परसेंट प्रॉफिट का मतलब क्या है कि ऑन एवरी हंड्रेड रुपीज़ देर विल बी फाइव रुपीज़ प्रॉफिट ओके हंड्रेड रुपीज़ पर क्या होगा फाइव रुपीज़ का प्रॉफिट होगा अगर सीपी आपका हंड्रेड रुपीज़ है तो प्रॉफिट कितना होगा फाइव रुपीज़ का होगा प्रॉफिट परसेंट दैट इज इक्व टू फाइव परसेंट मीन्स क्या मतलब है इसका इफ सी पी एस रुपीज हंड्रेड देन प्रॉफिट विल बी फाइव रुपीज ओके फाइव परसेंट प्रॉफिट का क्या मतलब है कि अगर सीपी आपका हंड्रेड है तो आउट ऑफ हंड्रेड फाइव रुपीज़ आपका प्रॉफिट होगा ठीक है सी क्या है हंड्रेड प्रॉफिट क्या है फाइव सो so, प्रॉफिट से हम एस निकाल सकते हैं सो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एस पी माइनस सी पी तो यहाँ से हम क्या है एस पी निकल सकते हैं एस पी इज इक्वल्स टू प्रॉफिट प्लस सी पी ओके एस पी क्या होगा प्रॉफिट जब आपका फाइव रुपीज का हो रहा और है और सीपी आपका हंड्रेड मींस मीन्स वन हंड्रेड एंड फाइव रुपीज ओके okay? तो जब आपका सी पी हंड्रेड है तो एस पी क्या निकल के आ रहा है वन हंड्रेड फाइव अब यहां पर देखिए आपको एस पी दे रखा है फाइव थाउजेंड रुपीज और तो पूछा क्या गया है कॉस्ट प्राइस तो अब हम क्या करेंगे यूनिटरी मेथड यूज करेंगे क्या वेन एस पी इज़ इक्वल्स टू वन हंड्रेड फाइव रुपीज़ देन सी पी इज़ देखिए जब आपका एस पी फाइव वन हंड्रेड एंड फाइव रुपीज़ है तो एस सी पी क्या था हंड्रेड रुपीज़ ओके इट मीन्स अगर आपका एस पी रुपीज़ वन है पहले क्या हमें गिवन क्या है मोर देन वन गिवन है अब हम क्या करेंगे वन के लिए कैलकुलेट करेंगे तो जब आपका एस पी वन रुपीज है तो सी पी क्या होगा हंड्रेड अपॉन दिस वन हंड्रेड फाइव ओके क्या गिवन है जब एस पी आपको वन हंड्रेड फाइव दे रखा है तो सी पी क्या है हंड्रेड रुपीज है इसी तरीके से अगर एस पी वन है तो सी पी आपका क्या हो जाएगा वन हंड्रेड upon this 105 now we have to calculate for 5000 rupees the cost price it means when sp is rupees 5000 then cp will cp will be 100 upon 105 into 5000 okay यहाँ पर पहले हम वन यूनिट की वैल्यू निकालें उसके बाद मोर देन वन की ठीक है तो देखिए क्या हो जाएगा अगर इसको हम फाइव से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा फाइव टू ज़ा टेन एंड फाइव वन जो फाइव एंड हेयर फाइव वन जा फाइव मीस थ्री जीरो ओके सो इट मीस वन लैक अपॉन ट्वेंटी वन इफ वी डिवाइड दिस नंबर वी विल गेट फोर थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड सिक्सटी वन पॉइंट फोर समथिंग ओके तो इस तरीके से भी अगर आप इस क्वेश्चन को करते हैं तो भी आपका आंसर करेक्ट आएगा तो दोनों तरीके से पहले वाला ठीक है डायरेक्टली फॉर्मूले का यूज करके नहीं तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट दे रखा है तो क्या करना है एवरी हंड्रेड रुपीज़ को सीपी बनाकर हम कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है प्रॉफिट परसेंट फाइव परसेंट है इसका मतलब सी पी हंड्रेड होगा तो उस पर प्रॉफिट कितने रुपीज़ का होगा फाइव रुपीज़ का होगा ठीक है सी पी आपको हंड्रेड पता है प्रॉफिट फाइव रुपीज़ है देन वी कैन कैलकुलेट एस पी ओके अब यहाँ पर हमें क्या एस पी दे रखा है कॉस्ट प्राइस मीन्स जब आपका एस पी फाइव थाउजेंड रुपीज़ है तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा तो अब हम क्या करेंगे यूनिटरी मैथड यूज करेंगे वैन एस पी इज वन हंड्रेड एंड फाइव रुपीज़ देन सी पी इज़ हंड्रेड मीन्स when sp will 1 rupee then cp will be 100 upon 105 and when sp is 5000 rupees then what will be the cp so we can calculate like this okay to aapke is profit or loss par three type ke questions arise honge एक तो simply आपको CP और SP दे रखा होगा profit और loss निकालना होगा और जब आपका profit और loss कैलकुलेट हो जाएगा देन यू कैन कैलकुलेट प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट दिस इज टाइप नंबर वन एंड सेकेंड क्वेश्चन कैसे अराइज होता है जब आपको कॉस्ट प्राइस दे रखा होगा और प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट दे रखा होगा और आपको एस पी निकालना होगा और तीसरा केस आपका ये है कि जब आपको एस पी दे रखा होगा प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट दे रखा होगा बट आपको कॉस्ट प्राइस पूछा जाएगा तो आपको इन दो तरीकों से क्वेश्चन को सॉल्व करना है ओके सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन इन विच वी हैव डिस्कस व्हाट इज़ द प्रॉफिट एंड लॉस व्हाट इज सेलिंग एंड कॉस्ट प्राइस ओके एंड हाउ वी कैलकुलेट ऑल दिस इफ यू हैव एनी क्वेरी डाउट रिलेटेड टू टूडे सेशन कैन आस्क ऑन कमेंट सेक्शन एंड इन माई नेक्स्ट अपकमिंग सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर Interest okay, so till then, keep watching my channel. Thank you.